हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स पीड़ित साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम PACL की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास जो न्यूज़ आई है वो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, जिस बात को हम बहुत टाइम से बताते आ रहे हैं दोस्तों। आज उस पर देवेंद्र सिंह ने एक हमारे लिए न्यूज़ बनाकर दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पल्स न्यूज़ रिफंड चैनल ऑफ पल्स न्यूज़ ऑफ यूट्यूब पोस्टेड ऑन January 9, 2019 बाय देवेंद्र सिंह। क्या लिखा है दोस्तों इन्होंने, आइए पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों, आज कल यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी चैनल आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पल्स की झूठी खबरें फैला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया, तो मैंने उन सभी चैनलों की लिस्ट तैयार कर ली है जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब इनके चैनल को ना देखें, ना इनकी वीडियो देखें, क्योंकि जितना आप इनकी वीडियो देखेंगे उतना ही ज़्यादा झूठी खबरें फैलाएंगे। और YouTube पर एक IV इंडिया तथा एक IV न्यूज़ के नाम से चैनल है जो कि सबसे ज़्यादा पल्स की झूठी खबरें YouTube पर डालता है। और वैसे तो नीचे लिस्ट में जितने भी चैनल के नाम दिए गए हैं वह सभी पल्स की झूठी एवं गलत खबरें फैलाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इन चैनलों की वीडियो ना देखें। तो दोस्तों, चलिए आपको हम उनकी क्रमशः दिखाते हैं कि उनकी लिस्ट जो इन्होंने बनाई है क्या बनाई है। नंबर एक पर है वी न्यूज़ इंडिया, नंबर दो पे पहलिया मौर्या जी, नंबर तीन पर पंदेर टच, नंबर चार पर यूट्यूब माई लाइफ, नंबर पाँच पर सच इंडिया न्यूज़, नंबर छः पे ABC 91, नंबर सात पर पंदेर टच, नंबर आठ पर IV न्यूज़, नंबर नौ मेरा पोर्टल, नंबर दस टच टब और नंबर ग्यारह पे टेक्निकल दुनिया। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे चैनल इन्होंने यहाँ पर बताए हैं देवेंद्र साहब ने, जिसको हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। तो दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत आज देवेंद्र सर के सामने आई है। और देवेंद्र सर आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पल्स न्यूज़ देने वाले जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनमें जो टॉप मोस्ट चैनल है, तो दोस्तों उन टॉप मोस्ट चैनलों की इक्का दुक्का ही संख्या रह गई है। जहाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले अमेजिंग एंटरटेनमेंट थे, उन्होंने न्यूज़ें देनी बंद कर दी। बहुत टाइम से वो न्यूज़ नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे दोस्तों? वो इसलिए ही नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ पर झूठ के पुलंदे बांधने वालों का ट्रैफिक, या दोस्तों यूट्यूब पे इतना बड़ा ट्रैफिक इस वक्त लगा हुआ है जिसके जाम में आकर अच्छे यूट्यूबर चैनल भी अपने आप को नीचा महसूस करने लगे हैं दोस्तों। हकीकत यही है कि 5,000 से ज़्यादा का कोई प्रोसीजर पल्स इंडिया लिमिटेड का अभी तक चालू नहीं हुआ और लोग अपने पैसों के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ना जाने कहां कहां दर दर की खाक छान रहे हैं। और यहां तक कि धरने प्रदर्शनों पर पुलिसों के डंडे खा रहे हैं, लेकिन यहां पर बैठे बिठाए ये फेक न्यूज़ चैनल वाले 1,000, 1,50,000 से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिफंड देने को बताते हैं और दिखाते भी हैं अपनी फर्जी वेबसाइटें बनाकर। न जाने क्या क्या झूठों के पलंदे आपको यहाँ पर परोसते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा भी यही कहना है कि जो इन्होंने हमारे देवेंद्र साहब ने जो भी हमारे लिए पोस्ट डाली है बहुत अच्छी पोस्ट डाली है। और दोस्तों, इस पर सभी निवेशकों को गौर करना चाहिए, सभी यूज़रों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने आखिर क्या कहना चाहा है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट के माध्यम से हम लोगों को सचेत किया है कि आप झूठी न्यूज़ ना देखें। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर जो लिखा है सब कुछ सही लिखा है और हम मानते हैं कि इस तरीके की जो न्यूज़ें हमारे सामने दिखाई जा रही हैं दोस्तों, ये बहुत गलत न्यूज़ें हैं और ऐसी न्यूज़ देखने वाले और सुनने वाले भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भ्रम तंत्र से निकल कर बाहर आइए और साफ सुथरे चैनलों से आप अपना कॉन्टैक्ट बना कर रखें, आप उनको सब्सक्राइब कर रखें। और ऐसे चैनलों को अगर सब्सक्राइब कर भी रखा है तो उन्हें निकाल कर फेंक दें दोस्तों।
ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है दोस्तों। अगर चैनल की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान लेता है इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।